Good morning everyone. We will start with single membrane bounded cell organelles. ठीक है, single membrane bounded cell organelles की बात करते हैं. तो इसके अंदर देखिए, single membrane bounded cell organelles जो है वो बहुत सारे हैं. मैंने आपको जो classification लिखाया था उसके अंदर कौन कौन से हैं, endoplasmic reticulum है, Golgi body है, lysosome है, vacuole है, ये सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही आती है. और डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोबॉडीज भी आएगी इसके अंदर. तो आज हम पहला जो स्टार्ट करते हैं, इट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, नाम क्यों रखा गया, एंडो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडो, एंडो से आप क्या समझते हैं, एंडो एक्सो क्या है, मतलब एंडो का मैम, एंडो मींस अंदर की तरफ. यस, इनसाइड. प्लाज्मिक, प्लाज्मा के अंदर, इनसाइड द प्लाज्मा. रेटिकुलम, रेटिकुलम मींस होता है नेटवर्क. तो प्लाज्मा के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका हमने नाम रख दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको हम शॉर्ट फॉर्म ER के नाम से जानते, ठीक है. ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. जैसे ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है सेंटर में, दिस इज द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस की मैम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन से इस तरीके से प्लाज्मा मैम्ब्रेन तक बाउंडेड रहती है, ठीक है. ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है. आप लोग जाओ ना, उससे पहले मेरे को याद दिला देना, अटेंडेंस लेनी है मेरे को. ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर. तो ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, स्मूथ ER और रफ ER. क्या है, तो सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, इसके अंदर मैं इसके कंपोनेंट्स नहीं लिखा रही. इसके कंपोनेंट्स भी वही होते हैं, सिस्टर्नी होती है, वेसिकल्स होती है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, बट वो हम अच्छे से गॉल्जी बॉडी में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके टाइप्स देखे जाते. ये स्मूथ ER, एकदम स्मूथली नज़र आ रही. रफ ER के अंदर क्या होता है, इनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस सरफेस पे. तो ये थोड़ी सी रफ सरफेस बन जाती है इस तरीके से. ऐसे ठीक है, ये रफ सरफेस बन गई. विजिबल है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, और शुड आई हैव टू ड्रॉ इन अ, यस मैम, विजिबल है, विजिबल है. चलिए ठीक है, ये कैसी बन गई, रफ ER बन गई. दिस इज नोन एज रफ ER एंड दिस इज द स्मूथ ER. ये स्मूथ ER हो गई. बस ये ER के दो टाइप है. स्मूथ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, रफ पे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट
on the surface of ER की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER एंड रफ ER। रफ ER व्हाई वी कॉल रफ ER, बिकॉज देर आर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ ER। क्लियर है यहाँ तक, लिख लिया आप लोगों ने। देन नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ ER। अब फंक्शंस क्या है ER के, फर्स्ट फंक्शन है इसका, आपने देखा, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस को किस तरीके से बाउंड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सपोज करूँ इसको हटा दूँ तो चांसेस है ना इसके शेप चेंज होने के, चांसेस बन जाते हैं शेप चेंज होने के। तो ये क्या करता है, एज एंडोस्केलेटन वर्क करता है। सपोज करो हमारे अंदर बोन्स नहीं होती, हमारा एंडोस्केलेटन नहीं होता, तो हम किसी तरीके की शेप में आ सकते थे, फ्लैक्सीबल हो जाते कंप्लीटली, हम इस तरीके से खड़े थोड़ा ना हो पाते, नहीं हो पाते ना। तो बस वैसे ही ये सेल का एंडोस्केलेटन बन जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है फंक्शंस लिखे थे ना मैंने कहाँ गए, इट वर्क्स एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। किस तरीके से वर्क करती है, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल की तरह वर्क करती है। तो ये क्या कर रही है, एंडोस्केलेटन की तरह इसका जो है फंक्शन है, क्या कर रही है ये, उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रही है। नाउ फंक्शन ऑफ रफ ER, एक सेकेंड, पहले तो कॉमन फंक्शन लिख लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन of molecules from nucleus to cell. ठीक है, ये उसका फंक्शन हो गया। नाउ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ रफ ER। रफ ER टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस में रफ ER का रोल होता है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए उसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। स्मूथ ER हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ फैट्स, फैट्स का सिक्रीशन होगा, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी नॉट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स प्रोटीन एंजाइम्स एंड डिफरेंट types of steroids. किसमें help कर रही है वो, देखिए आप वापस। Smooth ER helps
in secretion of fat, protein, enzymes and different type of steroids. अलग अलग different type की steroids का secretion भी करती है. ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट. अब देखिए कौन से नंबर पे था ये, फोर्थ पे. फिफ्थ पे इट प्रोवाइड्स प्लेस और सरफेस फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ये एक सरफेस प्रोवाइड करवाती है. तो ये क्या हो गया, ईआर. क्लियर? यस मैम. चलिए.